हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैशाली। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस और क्विक बनने वाले सूजी रवा टोस्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना जितना ही आसान है, उससे कहीं ज़्यादा इसका स्वाद लाजवाब है। आप इसे शाम के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सूजी रवा टोस्ट बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने एक कटोरी बारीक सूजी ली है, आधा कटोरी फ्रेश दही, दही आप कोई भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखिए वो ज़्यादा खट्टी ना हो। इसमें आधा कटोरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कटोरी ग्राइंड किया हुआ गाजर, आधा कटोरी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं किसी भी अमाउंट में। प्याज इसमें मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। आधा कटोरी फ्रेश हरा धनिया, सूखे मिक्सचर में मैंने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, देखने से ही हरा भरा, एकदम फ्रेश और बहुत ही हेल्दी भी है ये नाश्ता। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते जाना है। याद रखिए, पानी उतना ही ऐड करना है जिससे मिक्सचर एक थिक पेस्ट बन सके। हमें मिक्सचर का थिक पेस्ट बनाना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। ब्रेड के स्लाइस लेना है और उसके ऊपर इसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से फैलाते जाना है। ब्रेड के स्लाइस में सूजी का ये मिक्सचर अच्छे से फैला लेना है सारे साइड्स में। ये नाश्ता बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड के सारे साइड्स पर ये मिक्सचर कोट कर लिए हैं। अब किसी भी पैन या फिर तवे में बटर से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बटर यूज़ किया है, आप चाहे तो घी या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड के स्लाइस तवे पे अच्छे से क्रंची होते तक सेंक लेंगे। ऐसे ही हमें ब्रेड के सारे स्लाइस सूजी के मिक्सचर से कोट कर लेने हैं और उसे धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर तवे में सेंक लेना है। हमें इसे सेंकते वक्त बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। हाई फ्लेम में सूजी जलने लगती है, इसलिए आप गैस का फ्लेम बनाते वक्त मीडियम या फिर लो ही रखें। 2 से 4 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे फिर से फ्लिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड के दोनों साइड्स कितने अच्छे से सिक गए हैं और बहुत ही क्रंची भी हो गए हैं। धीमे आंच पर हमें इसलिए ही इसे सेकना है जिससे इसका क्रंच बना रहे। ऐसे ही हमें तवे पर फिर से बटर या फिर घी लगाकर ब्रेड के सारे स्लाइसेस सेक लेने हैं। ब्रेड के दोनों साइड्स अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें, फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने सर्व करने के लिए मीठी दही और टोमेटो केचप यूज़ किया है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है ट्राई करने के बाद, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
ऐसे ही लेटेस्ट और अमेजिंग रेसिपीज लेकर मैं आप लोगों के सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।